नमस्कार, यह एक ऑटोमेटिक एंडो एक्सो यूनिट है जिसमें हम दही को एक नियंत्रित समय तक नियंत्रित वातावरण में बनाते हैं। दही के अलावा और भी फर्मेंटेड मिल्क, दूध, दुग्ध उत्पाद इसमें तैयार किए जा सकते हैं। इस ऑटोमेटिक एंडो एक्सो यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हम 270 मिनट तक जब दही जम जाता है उसके बाद हीटिंग से ये कूलिंग ऑटोमेटिक इसमें कूलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण दही की काफ़ी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। दही के बदले हम योगर्ट और याकूर्ट जैसे फर्मेंटेड उत्पाद भी बना सकते हैं और इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती है। दही बनने के बाद जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, दही को इसी में रखते हैं और वो 4-5 डिग्री तक उसकी जो उसको ठंडे में रखते हैं, जिससे वो काफ़ी अच्छा उत्पाद तैयार होता है। दही में जो जल छोड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान इसका तापक्रम जो है हम इसमें जो सेंसर्स दिए हुए हैं उसके द्वारा ले सकते हैं और उसकी जो मान है उसको इस डाटा लॉगर में हम पूरे पूरे समय तक 5 घंटे तक सारे डाटा को यहाँ देख सकते हैं। सो यह ऑटोमेटिक दही बनाने वाली मशीन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी उपयोगी है। हर छोटे के डेयरी किसानों के लिए यह काफ़ी उपयोगी उत्पाद। धन्यवाद। नमस्कार, यह एक स्वचालित एंडो एक्सो यूनिट बनाया है हम लोगों ने, जिसमें हम जितने भी दूध के फर्मेंटेड उत्पाद होते हैं उनको बना सकते हैं। और इसमें शुरू में जब इनक्यूबेशन की ज़रूरत होती है तो 270 मिनट दही के लिए हम इसको 40 डिग्री तापक्रम पर रखते हैं और जब इनक्यूबेशन दही का पूरा हो जाता है, दही जब जम जाता है, तो फिर यह तापक्रम और स्वचालन तकनीक से ऑटोमेटिकली 4 से 5 डिग्री तक आ जाता है, जिसके कारण यह दही ठंडे टेम्परेचर पे, ठंडे तापक्रम पे काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ इसी में रहता है। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती है, कहीं हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं होती है, जिससे जो उसमें खट्टापन आता है वो बिल्कुल नहीं आता है और बिल्कुल उत्तम गुणवत्ता वाले दही या अन्य हमारे फर्मेंटेड उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान हम पूरी प्रक्रिया का तापक्रम इसमें टेम्परेचर सेंसर लगाकर और इस डाटा लॉगर की सहायता से सारा तापक्रम का मान हम नोट कर सकते हैं। सो यह एक किसानों के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले फर्मेंटेड दूध, दही के दही वगैरह बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, जिससे दही हिलता नहीं है और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तैयार हो सकता है। धन्यवाद।